पिछले एपिसोड में हमने देखा कि युनफी युशिन की मेमोरी को चेक करने के बाद मास्टर फेंगयू को बताता है कि युशिन की मेमोरी को यहाँ पर बस वाटर ऑफ लाइफ की ही मदद से वापस लाया जा सकता है, जो सुनकर मास्टर फेंगयू परेशान हो जाते हैं क्योंकि टियानवू किंगडम में उन्हें कहीं भी वाटर ऑफ लाइफ नहीं मिल सकता है। तभी मुजियान बोलती है उसे पता है वांग्यू वैली में उन्हें वाटर ऑफ लाइफ जरूर मिलेगा। अब यह सुनते ही सभी लोग वांग्यू वैली जाने की तैयारी करने लगते हैं। अब दिखाया जाता है कि एक जगह पर मुजियान और युनफी आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी मुजियान बोलती है तो तुम अब अपने पेरेंट्स को कैसे ढूंढोगे। युनफी बोलता है अगर मेरे पेरेंट्स यहाँ पर जिंदा है तो आज नहीं तो कल मैं उन्हें ढूंढ ही लूंगा, और जिन्होंने भी उन्हें किडनैप करने की कोशिश की है मैं उन्हें जान से मार दूंगा। तभी मुजियान बोलती है तुम्हें मेरी बात पर यकीन तो है ना। युनफी बोलता है किस बारे में। मुजियान बोलती है मैंने तुम्हें अपने पेरेंट्स के बारे में जो स्टोरी सुनाई क्या तुम उसके बारे में मुझसे कुछ सवाल नहीं पूछना चाहते हो। युनफी बोलता है नहीं मुझे तुम पर यकीन है, और वैसे भी फेक एम्परर सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि तुम्हारे भी दुश्मन है। मुजियान बोलती है तुमने बिल्कुल सही कहा, और तो और वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, साथ ही साथ उनके पास कई सारे पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट भी है जिनका सामना करना यहाँ पर आसान नहीं होने वाला है, पर हम सभी लोग यहाँ पर अब एक साथ है तो हम फेक एम्परर का सामना कर सकते हैं। अब मुजियान बोलती है तो हम लोग वांग्यू वैली कब जाने वाले हैं। युनफी बोलता है कल। तभी मुजियान बोलती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। यह सुनकर युनफी तैयार हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन युनफी अपने सभी साथियों को साथ लेकर वांग्यू वैली की ओर निकल रहा होता है। तभी मास्टर फेंगयू उसे अपना ध्यान रखने के लिए बोलते हैं। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि मुजियान सभी लोगों को नदी के रास्ते वांग्यू वैली की ओर लेकर जा रही होती है। वहीं वह सभी को वह एरिया दिखाते हुए बोल रही होती है कि एशियन टाइम में इस जगह को क्लियर रैलम अभ्यास कहा जाता था क्योंकि इस जगह पर गॉड्स रहा करते थे, पर गॉड्स के यहाँ से चले जाने के बाद इस एरिया पर मॉन्स्टर्स ने अपना कब्जा कर लिया, और तभी से लेकर आज तक कई पावरफुल एशियंट मॉन्स्टर इस जगह पर राज कर रहे हैं। जिसके बाद वह वहाँ पर एक पोर्टल को खोलती है। अब उस पोर्टल के खुलते ही उसके अंदर से काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर आने लगती है, जो देखकर यूकी बोलती है किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि टियानवू किंगडम में एक इतनी पावरफुल जगह भी मौजूद है, और इस जगह पर जो स्पिरिचुअल ऑरा है उस ऑरा को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके कोई भी मार्शल आर्टिस्ट अपने पावर को बढ़ा सकता है। तभी मुजियान बोलती है वांग्यू वैली के बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता है, और वांग्यू वैली पर क्वीन फैमिली राज करती है जो कि बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस फैमिली है, और वह अपने सीक्रेट्स किसी को भी नहीं बताती है। यह बोलते हुए वह उस पोर्टल के अंदर चली जाती है, जिसके बाद सभी लोग एक एक करके उस पोर्टल के अंदर जाते हैं। वहीं एक जगह से छिपकर तीन मार्क्समैन भी उन्हें देख रहे होते हैं, और अब वह तीनों भी उनके पीछे उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि युनफी के साथ सभी लोग एक जगह पर खड़े होते हैं। वहीं मुजियान सभी लोगों को वांग्यू वैली तक पहुंचने का रास्ता बता रही होती है। वहीं उस जगह को देखकर यूकी बोल रही होती है इस फॉरेस्ट में काफी पावरफुल ऑरा मौजूद है, तो इस फॉरेस्ट में रहने वाले मॉन्स्टर भी इस ऑरा की वजह से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुके होंगे। मुजियान उसे बताती है कि इस एरिया में अब ज्यादा मॉन्स्टर्स नहीं है क्योंकि इस जगह पर एक काफी लंबी वॉर चली थी जिसमें ज्यादातर पावरफुल मॉन्स्टर्स मारे गए, और अगर हम वांग्यू वैली तक पहुंच जाए तो हमें वहां पर कोई भी खतरा नहीं होगा क्योंकि वह पूरा एरिया एक बैरियर से ढका हुआ है, और क्वीन फैमिली उस एरिया की इंचार्ज है। यह सुनते ही यूकी बोलती है तो तुम कहना चाहती हो कि वाटर ऑफ लाइफ पर क्वीन फैमिली का कब्जा है, तो आखिर हम उसे कैसे हासिल करेंगे। मुजियान उसे बताती है कि मुझे पता चला है कि क्वीन फैमिली का एक पर्सन बहुत ही ज्यादा बीमार है, तो अगर युनफी उस पर्सन की बीमारी का इलाज कर दे तो वह लोग हमें वाटर ऑफ लाइफ दे सकते हैं। यह सुनते ही मंक बोलता है यह काम तो मास्टर के लिए बच्चों का खेल है। तभी उन सभी को एक ओर से कुछ आवाज सुनाई देती है, और अब दिखाया जाता है कि कुछ लोग अपने घोड़ा गाड़ी में बैठकर काफी तेजी से वांग्यू वैली की ओर जा रहे होते हैं, और अचानक वह किसी चीज से डरकर रुक जाते हैं। अब एक लड़की गाड़ी से निकलकर बाहर आती है, और वह अपनी ओर
गोल्डन बग्स के एक झुंड को आते हुए देखती है, जो देखते ही वह अपने सोल्जर्स से वहां पर एक फॉर्मेशन बैरियर को एक्टिवेट करने के लिए बोलती है। अब गोल्डन बग का नाम सुनते ही वहां मौजूद सभी सोल्जर्स डर जाते हैं। तभी एक दूसरा पर्सन गाड़ी से बाहर झांकते हुए बोलता है, आखिर यहां पर चल क्या रहा है, जिस पर ड्राइवर उसे बताता है कि गोल्डन बग्स ने हम पर अटैक कर दिया है, तो जब तक यह लोग यहां से नहीं चले जाते तब तक आप अंदर ही छिप कर रहे। अब वह पर्सन कार के अंदर वापस जाता हुआ अपने ग्रैंडफादर को बताता है कि उन पर गोल्डन बग्स ने अटैक कर दिया है, जो सुनकर उसके ग्रैंडफादर उसे छिपकर रहने के लिए बोलते हैं। तभी वह पर्सन बोलता है, क्या यह लोग हमें इन गोल्डन बग्स से बचा सकते हैं, क्योंकि गोल्डन बग्स बहुत ही पावरफुल इंसेक्ट होते हैं। उसका ग्रैंडफादर उसे बताता है कि क्विन फैमिली बहुत ही पावरफुल फैमिली है और अगर यह लोग हमें नहीं बचा पाए तो आज हम सभी यहाँ पर मारे जाएंगे। अब दोनों सोल्जर्स अपने फॉर्मेशन बैरियर को एक्टिवेट कर देते हैं और कार से निकलकर बाहर आकर एक मास्टर उन सभी इंसेक्ट पर अटैक करने लगता है। पर तभी सभी लोग नोटिस करते हैं कि वह सभी इंसेक्ट फॉर्मेशन बैरियर के स्पिरिचुअल एनर्जी को खा रहे होते हैं। अब सभी सोल्जर्स भी अपने वेपन को बाहर निकालते हुए उन इंसेक्ट पर अटैक करने लगते हैं, पर वह इंसेक्ट काफी बड़े ग्रुप में होते हैं और लगातार बैरियर के स्पिरिचुअल एसेंस को खाए चले जा रहे होते हैं। तभी वह लड़की अपने पास से एक बांसुरी निकालकर बजाने लगती है। अब उसके बांसुरी की आवाज सुनकर उस जगह पर कई सारे पर्पल बर्ड्स आ जाते हैं, जो उन गोल्डन बग्स पर अटैक करके उन्हें मारकर खाने लगते हैं। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।